तेरे मेरे प्यार नू नजर ना लगे। आज के समय में दोस्तों सोशल मीडिया पर ट्रेंड के अंदर रहने वाले टीवी एक्टर के बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, जिसका नाम है अंकित गुप्ता। अक्टूबर 2000 में उन्होंने भारतीय अभिनेता सलमान खान द्वारा होस्ट किए जा रहे कलर्स टीवी के रियलिटी शो बिग बॉस 16 में प्रतियोगी के रूप में चुना गया। वर्तमान में अपने शो उड़ारिया के लिए चर्चा में अंकित लंबे समय से टीवी उद्योग में एक जाना माना चेहरा बन चुका है। इस वीडियो के अंदर उनकी पूरी बायोग्राफी और लाइफ स्टाइल के बारे में बात करने वाले हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे वायरल लोगों की अपडेट इस चैनल पर आपको मिलती रहती है, और कुछ सेलिब्रिटी की बायोग्राफी और लाइफ स्टाइल से जुड़ी वीडियो जिस चैनल पर मिलते रहते हैं, जिनके बारे में आप जरूर जानना चाहते होंगे। तो बात करते हैं दोस्तों उनकी बायोग्राफी की। तो उनका रियल नेम अंकित गुप्ता है और उनका निक नेम अक्की है। उनका जन्म 6 नवंबर 1988 को हुआ था और 2022 के अनुसार उनकी आयु करीबन 34 वर्ष हो चुकी है। उनका जन्म मेरठ उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ था और उनके एजुकेशन के बारे में बात करते हैं तो स्नातक की डिग्री उन्होंने प्राप्त की थी और नागरिकता उनके पास भारतीय है और फिलहाल यानी कि करंटली वो मुंबई के अंदर रह रहे हैं। धर्म से वो हिंदू है। उनकी हाइट 5 फीट 8 इंच है और उनका वेट 65 किलोग्राम है। आंखों का रंग और बालों का रंग काला है और उनके शौक के बारे में बात करते हैं तो ड्राइविंग करना, वॉलीबॉल खेलना, गिटार बजाना उनकी कुछ पसंद है। पैसे से वो एक अभिनेता है। उनकी गर्लफ्रेंड के बारे में बात करते हैं तो प्रियंका चाहर चौधरी उनकी गर्लफ्रेंड का नाम है। अब दोस्तों मैरिटल स्टेटस की बात करें तो करंटली वो अनमैरिड है। अब उनके पूरे करियर के बारे में बात करते हैं, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, पढ़ाई के अलावा अंकित गुप्ता खेल और पठ्येतर गतिविधियों में बहुत सक्रिय थे। अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में विभिन्न कार्यक्रम में भाग लेते थे, यानी कि एक्टिंग के प्रति रुचि इनकी काफी समय पहले से ही थी। अब उनके करियर के बारे में बात करते हैं। अंकित ने साल 2012 में कलर्स टीवी श्रृंखला बालिका वधू में डॉक्टर अभिषेक कुमार के रूप में अभिनय की शुरुआत की। उसी साल उन्हें हिंदी फिल्म तूतिया दिल में नालेंद्र यादव के रूप में देखा गया था। वह चैनल वी इंडिया के शो साडा हक में पार्थ कश्यप की भूमिका निभाते हुए दर्शकों के बीच काफी पसंद किए गए थे। इस शो में उन्हें खूब प्रसिद्धि मिली थी। 2015 तक ये एक्टर बेगूसराय में नजर आ चुका था। उन्होंने शो में गर्व ठाकुर का किरदार निभाया था। अंकित अपने टीवी शो उड़ारिया में प्रियंका चार चौधरी के साथ अपनी जोड़ी के लिए बेहद लोकप्रिय हो गए, जहां उन्होंने फतेह सिंह विर्क की भूमिका निभाई। वहीं वह तेजो संधू विर्क की भूमिका में नजर आई। फैंस उन्हें फतेह जो और प्रिया अंकित कहते हैं। उन्हें नीरज शेखावत की भूमिका में अवैध न्याय आउट ऑफ ऑर्डर में देखा गया था। इसके बाद अंकित ने मैं हीरो बोल रहा हूं मैं इंस्पेक्टर सचिन कदम की भूमिका निभाई। अब दोस्तों बात करते हैं बिग बॉस 16 की। बिग बॉस 16 का ग्रैंड प्रीमियर 1 अक्टूबर 2022 से शुरू हो चुका है। सलमान खान द्वारा होस्ट किए जाने वाले शो पहले से ही लोगों के बीच काफी पसंद किया जा रहा है। पहले कंटेस्टेंट से लेकर आने वाले कंटेस्टेंट के बारे में अनुमान लगाने से लेकर बिग बॉस तक खुद गेम खेलने तक इस बार शो खास होने का वादा करता है। अंकित को इस बार बिग बॉस 16 में जगह दी गई है, लेकिन इससे पहले भी बिग बॉस का हिस्सा रह चुके हैं। वह शो में वापस बिग बॉस 14 में आए थे, लेकिन एक अतिथि के रूप में, पर इस साल वह कंटेस्टेंट के रूप में यहाँ पर देखे जा सकते हैं। इस वीडियो के अंदर दोस्तों आपने अंकित गुप्ता की पूरी बायोग्राफी के बारे में जाना। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव के साथ शेयर जरूर कीजिए। जो भी लोग अंकित गुप्ता के फैन हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करना तो बनता है, या फिर वो अंकित गुप्ता को जानते हैं, उनकी एक्टिंग को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को शेयर करना बनता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। यदि आपको पसंद आया तो कमेंट में अपने राय सजेशन ओपिनियन दे सकते हैं। इंटरेस्टिंग वाले वीडियो के अंदर जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।